जिनका एक झोपड़ी भी नहीं थी, चार पहिया की चिड़िया लगाते थे जहां माते सीधी बैठे कुंडलपुर में, आज उनके स्वयं की दुकान और स्वयं के मकान बन गए। सोचिए आचार्य श्री के जब चरण पड़ते जिसके घर में, वो व्यक्ति माला मान हो जाता। और आप लोग ने सुन रखा है और आप क्या जानते भी हैं, अशोक पाटनी किशनगढ़ वाला है, आज वो विद्यासागर और सदा सागर का दीवाना है। वो स्वयं कहते उनने हमारी गोद टेस्ट की यात्रा अकेले के नाम 60 माता जी, 60 दीवी और 100 आप लोग, बता दीजिए कितने हो गए, इतने लोगों की यात्रा कराई अशोक पाटनी जी ने। और गुजरात वालों ने ओम प्रकाश की थे, अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है वो व्यक्ति, मगर उनने अपनी दम पे आचार्य विद्यासागर जी का महुआ में चतुर्मास करवाया। सोचिए क्योंकि हर का पुण्य एक सा नहीं, हर व्यक्ति के लिए पुण्य चाहिए, हर व्यक्ति जी रहा है, हर पल उठते बैठते सोते बोलते पुण्य और पाप की बदौलत चल रहा है। आपका जिस दिन पाप का भरा भर जाता है, उस दिन व्यक्ति रोने के अलावा कुछ नहीं उसके पास। बोलो सही बोल रहे हैं, सही, क्योंकि हम अपने शक्ति से नहीं बोल रहे। जिन वाणी में जो लिखा है कि हर व्यक्ति का पुण्य और पाप से 24 घंटा चलता है, और जब व्यक्ति पाप करता है ना, उस समय कुछ दिखता नहीं है, और जब पाप का घड़ा फूट जाता है तब व्यक्ति की आंखें कहीं शरण नहीं मिलती। गुरु देव साथ गुरु के अलावा कोई शरण नहीं। भगवान की भगवान की भक्ति कर लेगा, जिस प्रकार रावण ने करी थी, आप लोग को ध्यान हो, आज की दुनिया में ऐसी कोई भक्ति करने वाला नहीं है कि अपनी वीणा के तार में अपनी नस लगा दी थी। आज का व्यक्ति है कोई, बता दीजिए। रावण ने इतनी भक्ति करी थी कि शांतिनाथ जिनालय में कि अपनी वीणा के तार में क्या किया, नस लगा दी। सोचिए